हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स पर। तो गाइस, आज का आपका सेशन है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का। इट मींस कि आपका आज का सेशन रहेगा आकलन और मूल्यांकन का। तो यहाँ पर हम कुछ इनके एमसीक्यूज देखेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके DSSSP लेवल के हैं, आपके सीटेट के अंदर हेल्पफुल रहेंगे, आपकी रीट के अंदर हेल्पफुल रहेंगे, जितने भी स्टेट टेट हैं आपके, यूपी टेट हो गया आपका, उसके अंदर भी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो इन, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका आकलन और मूल्यांकन का, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जो सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। क्योंकि आकलन और मूल्यांकन के बिना आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस कर ही नहीं सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। आज के सेशन में हमारे 10 MCQs रहेंगे। इससे पहले वो मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू रह गया, तो मैं आपको ये रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। हम जल्दी ही लाइव सेशन को कंडक्ट करेंगे, जिससे के अंदर हम अपने व्यूज़ भी ले पाएंगे, अपने ओपिनियन भी, और जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? और आप लोगों के लिए एक और चीज़ यहाँ पर निकाली जा रही है, बट वो आपको मैं एक दो दिन बाद ही कंफर्म करूँगी। तो आपके लिए वो गुड न्यूज़ ही रहेगी कि आपके जो पेपर आने वाले हैं सीटेट का, रीट का, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव लिया गया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको यहाँ पर एक मतलब नोट्स मिल जाएँ पूरे, और एक आपको पूरी प्रिपरेशन आपकी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। एन असेसमेंट इज डैश If it consistently achieve the same result with the same student। अब यहाँ पर क्या बोला है, सबसे इम्पॉर्टेंट आकलन की आपको यहाँ पर विशेषताएँ मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी जो भी आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर वो पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं विशेषताएँ, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो भी होती हैं। तो देखिए, इसके असेसमेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैलिड, रिलायबल, इनवैलिड, अनरिलायबल। नेगेटिव टर्म्स को हमेशा ही आप कट कर दीजिए, इसमें सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर आप छात्रों का के अगर यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो वह एक डैश आकलन कहलाता है। कि आप किसी बच्चे को, सेम स्टूडेंट को, सेम रिजल्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो सेम रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, तो वो कौन सा आकलन माना जाएगा। देखिए, अब इन दोनों में यहाँ पर ये वैलिडिटी क्या होता है, वैधता बताता है, और रिलायबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीय। वैलिडिटी क्या होता है कि आपका ये वैध है, इट मींस कि यहाँ पर आपका एक्यूरेट है, जो भी आप आकलन कर रहे हो वो एक एक्यूरेट के साथ है, एक्यूरेसी के साथ है। और रिलायबिलिटी क्या बताता है यहाँ पर कि जो आपने आकलन किया है वो एक कंसिस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को, तो ये वो चीज बताता है। और कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आप लगातार आप एक वही चीज उसको लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि जब एक बच्चा लगातार उसको वही रिजल्ट, उसका वही परिणाम उसको मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। करेक्ट ऑप्शन जाता है इसका सी ऑप्शन के साथ। तो ऐसे ही आपको उसकी टर्म्स पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना आए कि ये टर्म किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर टू, एंड डैश असेसमेंट आर वन विच मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। अब यहाँ पर बोला है कि वो कौन सा असेसमेंट होता है कि जो आप मेजर करना चाहते हो वही आपको प्रोवाइड करता है। सपोज हम एग्जांपल लें, अगर हम 2 × 2 निकालें तो वो 4 होता है। हम जब भी 2 से 2 को गुना करेंगे तो हमें 4 ही उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम जो मेजर करना चाहते हैं हमें वही आंसर मिल रहा है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि ये क्या बता रहा है, ये एक्यूरेसी को बता रहा है। किसे बता रहा है, एक्यूरेसी को बता रहा है यहाँ पर। और एक्यूरेसी अभी मैंने बताया किसके साथ जाता है वो आप लोगों का, तो वो जाता है आपका वैलिडिटी के साथ। तो अगेन हमें इसका आंसर मिल गया पढ़ते ही, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड का ए ऑप्शन। हम इसमें 10 क्वेश्चंस करेंगे, पर 10 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज और उनके ऑप्शन को पढ़ते हुए, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए एमसीक्यूज के साथ। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट। देखो, अब इसमें बोला गया है यहाँ पर आपको कोई एक टेस्ट मिला, आपने उस टेस्ट को, रिटन टेस्ट को पूरा कंप्लीट किया, और उस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर 10 out of 10 मिल गए। इट मींस कि आप इस टेस्ट में पास हुए सक्सेसफुली, यहाँ पर इसमें आपने पास क्लियर कर लिया इसको। तो इसमें इसका मतलब क्या है, तो आपने क्या चीज़ अचीव करी है यहाँ पर,
टीचर को अचीवमेंट मिली है ये, या फिर लर्निंग अचीवमेंट मिली है, या प्रिंसिपल को अचीवमेंट मिली है, या इवेल्युएशन को। तो देखिए यहाँ पर जब एक बच्चा यहाँ पे टेस्ट कर देता है, रियल टेस्ट देता है, और उसकी जो प्रैक्टिस है वो सक्सेसफुल रहती है, तो उस बच्चे ने क्या चीज समझा, यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठी, यहाँ पर उसने उस कॉन्सेप्ट को जान लिया कि वो उस कॉन्सेप्ट में क्या चीज बोली गई है, वो चीज उसकी यहाँ पे क्लियर हुई। तो यहाँ पे उस बच्चे की क्या हुई है, अधिगम हुआ है, उस बच्चे ने लर्निंग सक्सेसफुली कर ली है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इट इज ओपनली ऑब्जर्व दैट डैश इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। अब ये सभी को पता है, यहाँ पर ओपनली ऑब्जर्व किया गया है कि क्या चीज मेजरमेंट की तुलना में या फिर मेजरमेंट से ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो आपका मेजरमेंट है, मापन है, वो एक नैरोअर टर्म है यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ पर ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को लेके चलता है यहाँ पर, कि ये सिर्फ आपका एक क्या बताता है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव, कि आप एक जैसे सपोज 10 में से आपने कोई मार्क्स स्कोर किए हैं 5, तो ये आपने मेजरमेंट कर लिया उस चीज का, तो वो चीज मापन करता है जस्ट। तो ये यहाँ पर क्या चीज इन्वॉल्व होती है ज्यादा, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट, लर्निंग या इवेल्युएशन। देखिए मेजरमेंट की तुलना में यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या चीज ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वो है आपका इवेल्युएशन, मूल्यांकन। और मूल्यांकन क्या होता है आप लोगों का, कि जो चीज एक वाइडर कंसेप्ट है आपका इवेल्युएशन, वाइडर के साथ साथ ये आपके बिहेवियर को भी देखता है, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट को देखता है बच्चे के यहाँ पर। तो ये सिर्फ, और जो मेजरमेंट होता है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखता है, उसका मापना, उसका मापन करना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं। इसमें जस्ट एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो ट्विस्टेड है, अगर आप वो लैंग्वेज समझ लेते हो तो ऑप्शंस जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं। तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस कराती रहूंगी। एक आपका कोर्स का भी जल्दी शुरू किया जाएगा, फुल वीडियो कोर्स, तो उसको चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कीजिए। An attitude of fair-minded appreciation of its value can be obtained through a consideration of mental dash. यहाँ पर बोला गया है, अपने मूल्य की निष्पक्ष प्रशंसा के अभिवृत्ति एक मानसिक डैश के विचार से पाई जा सकती है। तो ये यहाँ पर किसके विचार से पाई जा सकती है, इवेल्युएशन, मेंटल इवेल्युएशन से, मेंटल मेजरमेंट, मेंटल बिहेवियर या कंसिडरेशन। तो देखिए इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा कि आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है, और वो आप कैसे करोगे, मेंटल आईक्यू को मेजर करकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आप लोगों का यहाँ पर सी ऑप्शन, मापन करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, अब यहाँ पर क्या बोला है, जो आपका डूइंग एस्पेक्ट होता है वो किसके अंदर लाए करता है। देखिए आपके डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो डूइंग एस्पेक्ट है, डूइंग आपको क्या बताता है, कोई चीज को करके सीखना या कोई चीज को यहाँ पर करना, कोई आप काम कर रहे हो, कोई भी काम है आपका तो वो आप कर रहे हो। अब आपको कोई काम करने के अंदर आप क्या चीज अप्लाई करते हो, अपना संज्ञानात्मक को अप्लाई करते हो। संज्ञानात्मक क्या होता है आपका यहाँ पे, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव को और क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल, और क्या बोलते हैं हम इसको, इंटेलेक्चुअल यहाँ पर उसको बोलते हैं। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको अभी तक मिल गया होगा, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन के साथ, यहाँ पर सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो डूइंग एस्पेक्ट किसको बताता है, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन को। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डजंट कंफॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। अब यहाँ पर क्या पूछा है, ये एक तो पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, पूछा जा रहा है इसके अंदर कि जो एक स्टूडेंट है वो एग्रेसिव है, उसका जो बिहेवियर है बहुत गुस्से वाला है, और उसके साथ साथ जो हमेशा ही अपने जो भी पीयर ग्रुप है उनके साथ गुस्से में रहता है, और कभी भी जो स्कूल के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कभी भी नहीं मानता है। तो स्टूडेंट्स को किस चीज के अंदर आवश्यकता है, उसको कैसे हेल्प हम कर सकते हैं, ए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या सोचने के लिए उच्चतर स्तर में, या कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक में,
या साइकोमोटर डोमेन आपका या फिर अफेक्टिव डोमेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पे जो करेक्ट है वो है आपका डी ऑप्शन अफेक्टिव से। क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर एग्रेसिव एग्रेशन क्या दिखा रहा है, गुस्सा क्या है आपका, एक बिहेवियर है। वो बिहेवियर किसके अंदर आता है आपका, यहाँ पर किसके अंदर आता है, भावनात्मक के अंदर, कि आपका भाव ही तो बता रहा है ना कि गुस्सा हो रहा है बच्चा या हंस रहा है या फिर कैसा भी है। तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट जाएगा आपका, ये डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? जल्दी से लाइक ठोको भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर एक बच्चे ने, इफ अ टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन टू आंसर इमेजिन यू आर फिश इन अ पॉन्ड, व्हाट डू यू सी अराउंड यू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर क्या बोला, पढ़कर जब एक अध्यापक कहता है कि मानो तुम एक तालाब में मछली हो, तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो, यह उदाहरण कौन से क्वेश्चन का है। तो देखिए आपने एक, यहाँ पे टीचर ने एक स्टोरी बताई या एक बच्चे ने स्टोरी रीड करी फिश मछली के ऊपर, और फिर टीचर ने उसे क्या बोला कि आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, मछली हो एक तालाब के अंदर, और तुम अपने आसपास क्या देखते हो। तो ये क्यों, कौन से क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, क्लोज टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए जब भी आपको ये इमेजिन आ जाए, कोई डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके, यहाँ पर ये ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो बच्चा है वो अलग अलग विचारों से सोचेगा हर एक चीज को। अब एक बच्चा है, उसने अपने आसपास क्या देखा कि मैम मेरे तो तालाब में आसपास यहाँ पर मुझे सिर्फ मछलियां ही मछलियां दिख रही हैं। फिर दूसरे बच्चे ने क्या बोला कि मैम मेरे को तो तालाब के अंदर यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, मछलियां भी दिख रही हैं, यहाँ पे शेल्स भी हैं, यहाँ पर सब चीज मुझे दिख रही है। देखिए सबका पर्सपेक्टिव अलग है अपना, तभी यहाँ पर क्या है, इसको बोला क्या जाएगा, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये आपके, कि जब आप बच्चा हर एक दिशा में सोचने की कोशिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपना ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, जो आपका सीसीई पैटर्न है वो कौन से असेसमेंट के लिए, कौन से असेसमेंट को इंक्लूड करता है, को करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बोथ स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक या सबमिटिव असेसमेंट टेस्ट। देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन क्या दर्शाता है यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। ये जो आपका सीसीई है वो 2009 और 2010 के अंदर आया था, लागू किया गया था। इसके अंदर क्या बोला गया था कि जो बच्चा का यहाँ पर पहले बच्चा क्या करता था, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पर उसका यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता था, पर जब सीसीई आया तो उसने क्या बोला, एकेडमिक के साथ साथ जो बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, यहाँ पर वो खेल में पार्टिसिपेशन कर रहा है, उसका यहाँ पे ड्राइंग के अंदर हो गया उसका पार्टिसिपेशन, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसके अंदर भी उसका पार्ट लेना उतना ही जरूरी है जितना उसका पढ़ना है। तो दोनों ही चीजों को यहाँ पर उसने लिया गया, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपना, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल हैव क्वेश्चंस, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक अच्छा टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न होना चाहिए, दैट फोकस इज प्राइमरली ऑन स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स यूज इन द टेस्ट, कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बोले, फोकस कर रहा है किसके ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर और वर्ड्स के ऊपर जो भी लिखा गया है, या फिर जो टेस्ट आपका टेक्स्टुअल नॉलेज थोरली आपको प्रोवाइड करे, या फिर जो दैट एनकरेज लर्नर्स टू राइट आंसर्स विदाउट एरर्स, कि क्या कभी हो सकता है कि बच्चा बिना गलतियों के एक सही आंसर लिख दे, नहीं गलतियां होती ही होती हैं, तो ये तो ऑप्शन कटे जाता है। फिर आपका दैट टेस्ट इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन, कि यहाँ पर क्या बोला गया है, जो अवबोध के साथ साथ व्याख्या और स्पष्टीकरण पर भी बल दे, कि बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है उसको स्पष्ट कितना कर पा रहा है उसके ऊपर भी दे, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर डी ऑप्शन जाता है बिल्कुल सही उत्तर। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मेरा लाइव सेशन कंडक्ट नहीं हो पाया है, कोशिश करूंगी कि आपको अभी अब से लाइव सेशन ही प्रोवाइड करवाऊं, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं मैं साथ साथ ले पाऊं। तो यहाँ पर आपका सेशन था ये असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से, अपना सीडीपी को अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि आपका अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट जैसे ही आएगा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सीटेट के, आपका जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा। पर ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये आपके रीट यूपी टेट्स